हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों एसएससी जेई का फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। कल के रात के ही दिन दोस्तों एसएससी जेई का फुल नोटिफिकेशन आउट हो गया था। कल मॉर्निंग मैंने आप सभी लोग एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि एसएससी जेई का फुल नोटिफिकेशन आज आ जाएगा, तो हुआ भी भाई, एसएससी जेई का फुल नोटिफिकेशन शाम तक आ गया था। तो टाइम ना मिलने की वजह से दोस्तों मैं उस टाइम वीडियो नहीं बना पाया था। लास्ट वीडियो में बहुत सारे हमारे दोस्तों ने कमेंट किया था कि सर आप ये वीडियो फेक है, ऐसा है वैसा है, नहीं आएगी रिक्रूटमेंट अगले महीने आएगी या जुलाई तक आएगी, बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला था। तो देखिए दोस्तों, जो भी इन्फॉर्मेशन हम देते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं 100% सही इन्फॉर्मेशन दे पाता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि 99% इन्फॉर्मेशन सही रहे, जिससे बहुत सारे कैंडिडेट्स का लॉस ना हो। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्रस्ट बना के रखा कर ये छोटी मोटी बातों को लेके उल्टे सीधे कमेंट करना, मुझे नहीं लगता है कि आप जिस एज में हैं वो मैच्योरिटी वाली बात है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए एसएससी का जो फुल नोटिफिकेशन था वो आउट हो चुका है न्यू वेबसाइट पे। अब न्यू वेबसाइट के बारे में अगर लोग पूछेंगे तो एसएससी की जो न्यू वेबसाइट है sscgov.in, पहले nic.in थी, अब gov.in है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ नोटिस ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, चलिए इसका पीडीएफ मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें इस पीडीएफ में मेंशन की गई हैं। यहाँ पर दोस्तों इस पीडीएफ को मैंने डाउनलोड कर लिया हुआ है। नोटिस यहाँ पे देख सकते हैं, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 28 मार्च से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और 18 अप्रैल तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट डेट जो फीस पेमेंट की लास्ट डेट है वो 19 तारीख है, मतलब एक दिन आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। टेंटेटिव डेट एग्जामिनेशन फर्स्ट के शेड्यूल होने की, देखिए आप देख सकते हैं 4 जून से 6 जून के बीच आपका पेपर जाएगा। सबसे अच्छी बात यही होती है दोस्तों किसी भी फॉर्म में कि आपको एग्जामिनेशन डेट पहले से ही पता होती है। देखिए यहाँ पर विभिन्न डिपार्टमेंट्स में इस बार स्पेसिफाई करके रखा हो भाई किस डिपार्टमेंट में एलिजिबिलिटी क्या क्या है। जैसे बी जो आपका BRO है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जेई सिविल और जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की वैकेंसी है, डिग्री वालों के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन डिप्लोमा वालों के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांग के रखा हुआ है BRO में, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में, और एज लिमिट 18 साल से 30 साल है दोनों जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और सिविल में भी। और ब्रह्मपुत्र रोड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में वो जेई इलेक्ट्रिकल जेई सिविल के लिए 3 साल का डिप्लोमा है। सेंट्रल वाटर कमीशन CWC में डिप्लोमा या डिग्री दोनों अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे वो सिविल हो। CPWD में भी कोई भी एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायर्ड है। CPWD यहाँ पर आप देखिए सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, यहाँ पर एक चीज़ उन्होंने मेंशन की भाई यहाँ पर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग मांगा है, और जेई सिविल के लिए भी सिर्फ यहाँ पर डिप्लोमा मांगा गया है। ठीक है, यहाँ पर बैचलर डिग्री नहीं मांगी गई CPWD में, अप टू 32 साल ईयर यहाँ मांगी गई है। सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन में भी सिर्फ डिप्लोमा मांगा गया है, कोई भी यहाँ पर BTech नहीं मांगा गया है। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे जो जेई सिविल और इलेक्ट्रिकल के डिपार्टमेंट, फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट, ये सब में आप देख सकते हैं कि अलग अलग चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पर MES में दोस्तों 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, यहाँ पर इसमें 30 साल रखी गई है। ठीक है, देखिए ये बात हुई कि आपकी कितनी हर क्षेत्र में क्या क्या एलिजिबिलिटी है। अब देख लेते हैं टेंटेटिव वैकेंसीज़ क्या हैं। देखिए BRO में सिर्फ मेल कैंडिडेट एलिजिबल हैं। यहाँ पर जेई सिविल की बहुत अच्छी वैकेंसी है, 438 है, जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की 37 वैकेंसियाँ। टोटल अगर हम नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो 968 वैकेंसियाँ टोटल हैं, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग की अकेले 788 वैकेंसियाँ हैं और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 180 वैकेंसियाँ रखी गई हैं। इलेक्ट्रिकल के लिए सबसे अच्छी वैकेंसी अगर हम बात कर लेते हैं तो CPWD में देखने को मिल सकती है। आप देख सकते हैं CPWD सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में 121 वैकेंसियाँ जेई इलेक्ट्रिकल की हैं। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं। देखिए MES की सिर्फ वैकेंसी ऐसी है जिसमें बोला गया है कि वैकेंसी इंटीमेटेड इन ड्यू कोर्स आपको बाद में बता दिया जाएगा कि MES में जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और जेई सिविल के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। बाकी सभी डिपार्टमेंट में वैकेंसीज दोस्तों बता के रखी गई है। चलिए और अगर हम इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करें, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, किसी भी आप रिलीजन से बिलोंग कर सकते हैं या किसी भी भारत के किसी भी कोने से बिलोंग कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। एज लिमिट की बात कर लेते हैं, जो एज लिमिट मैंने बताई, अगर आप OBC के हैं तो 3 साल का रिलेक्शन, SST है तो 5 साल का एज रिलेक्शन, एक्स सर्विसमैन है तो 10 साल का एज रिलेक्शन, और PWD कैटेगरी के लिए उसी तरह आपको रिलेक्शन मिलता जाएगा। चलिए यहाँ पर और अगर हम इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात कर लेते हैं, फॉर्म फीस की बात कर लेते हैं, तो इसकी 100 रुपये फॉर्म फीस है, लेकिन जब आप फॉर्म को फिल करिएगा दोस्तों तो आप ध्यान रखिएगा कि आप कोई भी मिस्टेक ना हो, क्योंकि अगर आप पहली बार फॉर्म सुधारेंगे तो 200 रुपये और दूसरी बार अगर फॉर्म सुधारेंगे तो आपको 500 रुपये फॉर्म फीस रखी जाएगी, ये आप देख सकते हैं। तो फॉर्म भरते वक्त पूरा ध्यान रखें। एग्जामिनेशन सेंटर की बात कर ले तो देखिए हर रीजन में, जैसे सेंट्रल रीजन जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश में आता है, इतने सारे एग्जामिनेशन सेंटर जिसमें बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी रखें, तो विभिन्न रीजन्स में दोस्तों अलग अलग एग्जामिनेशन सेंटर रखे गए।
अगर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों सीबीटी बेस पे होगा, एमसीक्यू बेसिस पे होगा। पेपर फर्स्ट दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन और इसमें 100, इसके बाद फिर आपका जो 100 क्वेश्चन होगा वो आपका चाहे इलेक्ट्रिकल कहें तो इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन, मैकेनिकल कहें तो मैकेनिकल का क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आएंगे। 2 घंटे का पेपर होगा, 40 मिनट उन कैंडिडेट को एक्स्ट्रा दी जाएंगे जो पीडब्ल्यूडी है, ठीक है। इसके बाद बात करें पेपर सेकंड की तो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, इसमें भी दोस्तों 100 क्वेश्चन आएंगे, 300 मार्क का पेपर होगा, 2 घंटे का यहाँ पर आपको समय रहेगा। 1/3 की यहाँ पर 1/4 की पेपर फर्स्ट के लिए 1/4 की यहाँ पर निगेटिव मार्किंग रखी गई। ये पूरा इंडिकेटिव सिलेबस है विभिन्न ब्रांचेस के लिए और आपका मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए, और इसके अलावा जो कॉमन सिलेबस है रीजनिंग और जीके जीएस वो सिलेबस दिया हुआ, आप उसे देख सकते हैं। लगभग जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने सभी लोगों से डिस्कशन कर दी दोस्तों, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा ऑफिशियल साइट का, वहाँ से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।